हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स किड्स केयर। मैं आज आपसे एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो है गोंद का लड्डू, जो एडिबल गम है उसका लड्डू। इसको आप ड्राई फ्रूट्स का भी लड्डू बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स डलता है। और ये खास करके जो बच्चे होते हैं, 1 साल से बड़े बच्चे और न्यू मदर्स, जो जिनका अभी अभी डिलीवरी हुआ है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। विंटर में ये बहुत ही काम आता है, बॉडी को हीटअप कराता है। मैं तो सजेस्ट करूँगी विंटर में न्यू मदर्स को और 1 साल से बड़े बच्चों को, इसको जैसे भी करके आप एक एक लड्डू खिलाइए। ये बॉडी को हीटअप कराता है, विंटर में ये बहुत काम आता है और जो वीकनेस है उसको दूर करता है और बच्चों को ये हेल्दी बनाता है। तो मैं इसका इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए, मैंने लिया है ये एडिबल गम जो है, ये जो गोंद है इसको 1 कप लिया हुआ है, और ये जो ग्रेटेड नारियल है इसको मैंने लिया है 1 कप, गुड़ लिया है 1 कप, और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है किशमिश, काजू और आलमंड, इसको थोड़ा क्रश कर लिया है, थोड़ा इसको रफली क्रश कर लिया है। ये मैंने सब मिला के 1 कप लिया है। तो चलते हैं रेसिपी को बनाते हैं। और हाँ, देसी घी भी इसमें डालना है। सो मैं अब गैस ऑन कर रही हूँ, मैं इसमें देसी घी मिला रही हूँ, 1 बड़ा स्पून। ऑयल गर्म हो चुका है, इसको अच्छे से पॉप ऑफ होने देते हैं। जो बचा हुआ घी है उसमें हम जो ड्राई फ्रूट्स हम डाले थे, क्रश किए थे, उसको फ्राई कर लेते हैं। पहले मैं आलमंड डाली हूँ, आलमंड थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। नाउ ऐड काजू, काजू को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब किशमिश ऐड करेंगे, ये ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुका है, बंद कर देते हैं। अब जो ये हमने गोंद लिया था, इसको हमको हाथ से ऐसे, थोड़ा गर्म है, इसको हमको ऐसे हाथ से क्रश कर लेना है। ये देखिए, ये मेरा पूरा अच्छे से क्रश हो चुका है। अगर आपका जो गोंद है अच्छे से पॉप अप हुआ होगा तो ये हाथ से आराम से क्रश हो जाएगा। ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किया था उसको हम इसमें, ये ड्राई फ्रूट्स को अब इसमें ऐड कर लेते हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स को। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर लिया है, इसको मिक्स करना है। अब हमको क्या करना है, जो नारियल हमने क्रश नारियल लिया था उसको अभी वही, उसी में हमको अभी जो क्रश नारियल लिया था उसको थोड़ा फ्राई करना है। फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब नारियल को निकाल लेते हैं, और एक बर्तन लेना है, इसमें हमको डालना है गुड़ और 2 स्पून के करीब पानी डालना है। दो स्पून के करीब इसमें पानी डालना है और गुड़ को 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी तक इसको मेल्ट करना है।
तक ऐसा करें, वन स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी होया कि नहीं, इसको थोड़ा एक पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसको हाथ में ऐसे लेके देखिए, अब ये जो हमने बनाया था इसमें हमको ये गुड़ का सिरप डालना है, अच्छे से मिक्स करना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसका हम लड्डू बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या न्यू मदर्स हैं या कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो जाइए घर में बनाइए ये गोंद का लड्डू, उनको खिलाइए। अभी तो विंटर भी चल रहा है, ये बॉडी को बहुत हीटअप कराता है और बहुत ही अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स का लड्डू है ये, गोंद डला हुआ है, बहुत ही बच्चों के लिए वेट गेनिंग फूड है। जाइए घर में बनाइए और मुझे कमेंट्स करिए कि आपको ये रेसिपी पसंद आया कि नहीं। लाइक करिए ये वीडियो को, अगर पसंद आया तो शेयर करिए दूसरों के साथ। एंड अगर अभी तक मेरा ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मॉम्स किड्स केयर एंड प्रेस द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम्स किड्स केयर।